जय श्री राम। जय श्री राम के नारा लगाने से क्या भाजपा झारखंड की सत्ता में आ जाएगी? 100% आएगी। अभी देखिए मोदी योगी जी का नारा है, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे, सेफ रहना है तो हिंदू जो है, हिंदू एकजुट है। हाँ, हिंदू एकजुट है, हिंदू एकजुट है, एकदम एकजुट है। आदिवासी साथ में है? आदिवासी साथ में वो भी है, पर सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ पे कि बीजेपी यहाँ से निकलेगी। जब बाहर से वो बांग्लादेश से लाके आदमी को यहाँ बसा रहे हैं और बांग्लादेशी को बसा रहे हैं तो भारी है। बीजेपी का बढ़िया फैन होने के नाते हम देखने आज गांडे आए। बीजेपी के फैन है, बहुत बड़ा फैन। पूरा पाकुड़ जिला में 40 को मुखिया है, वो मियां साहब है मुखिया और उसका बीवी है आदिवासी। हेमंत सोरेन पे विश्वास इस कारण से नहीं है क्योंकि वो गठबंधन कर लिया है, गठबंधन करने के कारण उसके ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस कैंडिडेट को जिताए जो हम लोग को कुछ विकास ना कर सके। कौन कैंडिडेट? झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र में है और इस जगह का नाम महेश मुंडा है और यहां से कल्पना सोरेन वर्सेस मुनिया देवी है। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और इसलिए भी यह सीट काफी वीवीआईपी सीटों में से एक है। अगर झारखंड में टॉप 5 वीवीआई सीट है तो एक गांडे भी है, गांडे की चर्चा भी हो रही है। गांडे से है? गांडे से। गांडे में क्या लग रहा है माहौल? मुनिया देवी जीतेगी। क्यों? भाजपा है, भाजपा विकास के नाम पर वोट देगी उनको। जो विधायक है यहाँ के वो ठीक है, विधायक काम बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम लोग भाजपा के हैं तो हम लोग भाजपा जानते हैं जीतेगी। हाँ। मुनिया देवी जीतेगी भाजपा से। भाजपा से क्यों उम्मीद है? लगता है भाजपा कुछ कर पाएगी? हाँ, आराम से करेगी। अभी देखिए मोदी योगी जी का नारा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे, सेफ रहना है तो हिंदू जो है, हिंदू एकजुट है। हाँ, हिंदू एकजुट है। लेकिन तो जो आपके विरोधी हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार, उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये लोग बांटने वाले लोग हैं, ये बांट की राजनीति करते हैं। ना देखिए, उत्सव तो कहना है सिर्फ है। हाँ। हिंदू हम लोग एकजुट है। हाँ। और हम लोग एक नंबर में बीजेपी को वोट देंगे, सारा हिंदू बीजेपी को वोट देंगे। हिंदू एकजुट है, एकदम एकजुट है। आदिवासी साथ में है? आदिवासी साथ में वो भी है, पर सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ पे कि बीजेपी यहाँ से निकलेगी। गांडे से? गांडे से। कल्पना सोरेन नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेंगे? कुछ कारण कल्पना सोरेन का? कारण कुछ भी नहीं है, पर हम लोग को सबसे ज्यादा चाह बीजेपी में है। हाँ। इसलिए बीजेपी यहाँ से निकलेगी। कुछ 4-5 महीने का कार्यकाल कल्पना सोरेन का रहा, जो भी 5-6 महीने का, उसमें कुछ काम हुआ गांडे में? काम हुआ, लेकिन देखिए जो अपना बंटवारा जो कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम जो कर रहे हैं, इसके लिए हिंदू अपना पूरा बीजेपी को वोट देगा। मतलब कि हेमंत सोरेन का गठबंधन बांट रहा है हिंदू मुस्लिम? हाँ, बांट रहे हैं। वो तो पूरा पाकुड़ जिला में 40 को मुखिया है। हाँ। वो मियां साहब है मुखिया और उसका बीवी है आदिवासी। आदिवासी? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है इसलिए ना, हम उसको चाह रहे हैं। मतलब घुस बैठी बाहर से अंदर? पूरा बांग्लादेशी घुसा दिया। बांग्लादेशी? पूरा बांग्लादेशी घुसेंगे तो जाहिर बात है कि झारखंडी को दिक्कत होगा। दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग पे आदिवासी लोगों। हाँ, इसलिए हम लोग वोट बीजेपी के करेंगे। इसलिए करेंगे? हाँ। भाई आदिवासी जो बाहरी लोग हैं उनको ना आने दिया? ना आने दिया। क्या लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है? नहीं, आप भी बोल दीजिए मुझे। देखिए बीजेपी जीतेगा यहाँ से। क्यों जीतेगा बीजेपी? बीजेपी को हम लोग चाहते हैं, बराबर चाहते आए हुए हैं और चाहते ही रहेंगे। विकास बस वही है कि डबल इंजन का सरकार बनेगी, फायदा होगा हम लोग का बढ़िया तरीके से। हेमंत सोरेन पे विश्वास क्यों नहीं है? हेमंत सोरेन पे विश्वास इस कारण से नहीं है क्योंकि वो गठबंधन कर लिया है, गठबंधन करने के कारण उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जय श्री राम का नारा दिया, नारा लगा रहे हैं जय श्री राम। कहते हैं कि भाई अगर इस तरह से जो भाजपा वाले नारेबाजी करते हैं, नारा देते हैं, तो ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को कास्ट के आधार पर बांटते हैं, तो ये बांट कर चले जाएंगे लोग, तो लोग चले जाएंगे, फिर हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उस कैंडिडेट को जिताए जो हम लोग को, आपके पास जाएगा जी, हम लोग नहीं चाहते कि उस कैंडिडेट को जिताए जो हम लोग को कुछ विकास ना कर सके। कौन कैंडिडेट? हम लोग तो सिर्फ चाह रहे हैं कि ना मुनिया देवी को वोट देंगे, वो सुखतुवर्ती क्षेत्र से है, हम लोगों के बीच जाते हैं, हम लोगों से मिलती है, उनसे जो बातें रखते हैं उन्होंने पूरा किया। कल्पना सोरेन के पास नहीं मिल सकते, उनसे नहीं मिल सकते अभी तक तो हम लोग देखे नहीं, तो मिलने के क्या बात करते? मोबाइल में देखे? मोबाइल में क्या नहीं देखते, लाइव के माध्यम से सब चीज लोग देखते हैं। हम भी देखे थे घर से अमित शाह को लाइव के माध्यम से, लेकिन उसका एक बीजेपी का बढ़िया फैन होने के नाते हम देखने आज गांडे आए। बीजेपी के फैन है? बहुत बड़ा फैन, आज से बूथ अध्यक्ष भी है। तब और बोलिए, आप लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में आएगी, बनाएगी सरकार? जी जी, एकदम सबका साथ है हम लोग का। हाँ। एकदम आएगा।
कैसे ना आए, पूरा जोश के साथ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम के नारा लगाने से क्या भाजपा झारखंड की सत्ता में आ जाएगी? 100% आएगी, 100% आ जाएगी। यहाँ यहाँ की जो जनता है एकजुट हो चुका है, इसके माध्यम से बीजेपी 100% सप्ताह में आएगी। गांडे में क्या होगा? गांडे में मुनिया देवी, हम लोग के लिए मुनिया देवी अपने लोकल क्षेत्र नेता है। अपना घर घर आना जाना रहता है, जब कुछ भी बोल देते हैं तो वो काम हम लोग को पूरा करते हैं। कल्पना सोरेन नहीं पूरा करेगी? नहीं, कल्पना सोरेन हम लोग को दूरी हो जाता है, उसके बाद जो है कभी एक बार भी अभी इधर उधर आना नहीं, अभी इलेक्शन है इसके लिए बोल के आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके पहले तो आना जाना कुछ भी नहीं है ना। कल्पना सोरेन बाहरी है? हाँ बाहरी ही है, और क्या है, बाहरी ही है। जब बाहर से वो बांग्लादेश से ला के आदमी को यहाँ बसा रहे हैं और बांग्लादेशी को बसा रहे हैं तो बाहरी ही। सोरेन की सरकार बांग्लादेशियों को शरण दे रही है? एकदम 100% दे रही है, 100%। नुकसान होगा भाई? नुकसान तो बहुत है हम लोग को, हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान है। जो जमीन है और कुछ है वो सस्ते दान में सब तो वो लेके जा रहे हैं अपने, है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो जहाँ के वहीं रह जा रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेशी या फिर यूके की जो घुसपैठी है वो एक बड़ा मुद्दा है, और केंद्र की भाजपा सरकार इसको लेकर वादे भी करती है, कई जगह पर इस तरह के डिसीजन भी देखने को मिले। फिलहाल गांडे में है, गांडे काफी हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी यहाँ से मैदान में है। कुछ भाजपा के लोग थे, कुछ यहाँ के आम लोग थे जो किसी पक्ष के नहीं है, ना जेएमएम है ना भाजपा है, लेकिन उनका मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कम बैक करेगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। पूर्व में भी सरकार थी, हेमंत सोरेन की फिलहाल सरकार है, लेकिन अब भाजपा इस बार 2025 में झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। इसके पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क था। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।